निश्चित रूप से सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यह तो महानता है हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ के से जुड़े हुए वरिष्ठतम नेताओं का और सभी संगठन के शिक्षकों का। मैं खुद साधुवाद सर सब छोटा है, मैं शिक्षा प्रीतम मोहब्बत से अभी दूर हूँ, और जो बात बातें सामने आई है आपने ही मुझे सुना है कि अभी एक डेढ़ महीने के दरमियान में जाने, तो ये मैं आपको इस सभागार में इतना कह सकता हूँ कि जिस तरह की बातें आई है, चाहे स्थानांतरण नीति का सवाल हो, चाहे 138 मित्रहित शिक्षण संस्थान का मामला हो, या फिर और भी जो खास करके गैर वित्तीय मामले जो आए, जो वित्तीय मामले हैं उस पर अकेले निर्णय लेने का हमको शायद कुवत नहीं है, उसके लिए वार्ता करेंगे, और जो वाजिब मांगे हैं उसको भी पूरा करेंगे। मैं आपके माध्यम से पुनः गुरुजनों से कहना चाहता हूँ, गुरुजनों के गुरु लोग हैं यहाँ, तो सब गुरुजनों से कहना चाहता हूँ, जो संकल्प है बिहार के विरासत को लौटाना, ज्ञान की भूमि बिहार दुनिया में कही गई और वहाँ से ज्ञान कालांतर में कमजोर हुआ, ये प्रयास है सरकार का कि एक बेहतर शिक्षण संस्कार स्थापित हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो एक कड़ी आगे की बात। जी, जहाँ उम्मीदें होती है वहीं से मांगी जाती है, तो आपसे उम्मीदें हैं, आपको बुलाया गया है, स्वागत किया गया है, बहुत कुछ कहा गया है। पहला मांग तो ट्रांसफर कब कर रहे हैं जो नियोजित टीचर हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, अब तो महागठबंधन की सरकार। मैंने कहा ना कि स्थानांतरण सरकार की चिंता का विषय है और इसको हम लोग करेंगे। स्थानांतरण नीति पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हुई है, अधिकारियों के अंदर अगर कोई ना कोई कंफ्यूजन है तो हम शिक्षक संगठन के वरिष्ठ नेताओं से वार्ता करके, सब गार्जियन हैं और हमारे तो बड़े भाई की तरह हैं, तो वार्ता करके इसको दूर करें। आपके गुरु हैं सब लोग यहाँ पर, आप आशीर्वाद भी लिए हैं चरण स्पर्श करके, हमने देखा भी है, यहीं पर घोषणा कर दीजिए ना, कोई तारीख बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि गुरुजनों का सम्मान करना ये मेरे संस्कृति में है, सनातन संस्कृति में है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुओं के लिए जितने शब्द कहे गए सब छोटे हैं। मैं तो ये बात कहा ना कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोच है वो शिक्षक संगठनों से बात करके, अधिकारियों को रख करके जो बात करेंगे वो तय होगा, वही होगा। अगर इतना बात मैं कह सकता हूँ कि एक व्यावहारिक और पारदर्शी नीति बनेगी। थैंक यू। जब होम अप्लायंसेस पर मिलेगा अप टू 50% ऑफ, तब